वेलकम टू ब्रांड न्यू गिल्वे वीडियो जिसके अंदर आज हम लोग खेले वाले हैं मार्का और ये होने वाला है मार्का सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 3 जिसके अंदर आज मैं आप लोग को बना के दिखाने वाला हूँ आयरन फार्म। और इससे गाइस आप लोग जान सकते हो कि कैसे बनाते हैं आयरन फार्म। तो गाइस इस बात पे पूरी वीडियो को वॉच करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूं हमारे सर्वाइवल वन के अंदर जहां पर गाइस मैं बनाने वाला हूं आयरन फार्म। तो गाइस इस बात पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो हमारे घर के पीछे एक विलेज है जहाँ से गाइस मैं पकड़ कर आया दो विलेजर्स को, एक का नाम है बुल्ला और एक का नाम है मुल्ला। मिलिए इन दोनों विलेजर से। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। ओके तो गाइस अभी इन दोनों को हम लोगों को खींच कर आयरन फार्म तक ले जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ आयरन फार्म, क्योंकि गाइस इन दोनों की बहुत जरूरत है आयरन फार्म बनाने में और इन दोनों को ले जाने में पता नहीं कितना समय जाएगा मेरा। 2000 years later. Okay, मैं आ चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं बना वाला हूँ हमारा आयरन फार्म। और गाइस इस चेस्ट के अंदर रखे वो सारा का सारा सामान जो कि हमारे आयरन फार्म बनाने में काम में आएंगे। और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुली जगह है जहाँ पर गाइस मैं बनाने वाला हूँ हमारा आयरन फार्म। और लिटरली गाइस ये आयरन फार्म ना बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाले, इसीलिए गाइस पूरी वीडियो को देखना। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को सीधे यहाँ पर डिग डाउन करना पड़ेगा थोड़ी देर तक के लिए। मतलब डिग डाउन क्या है यार गाइस, आप लोगों को ना यहाँ पर 5x8 का एक मतलब होल बनाना पड़ेगा 5x8 और उसकी गहराई होने वाली है गाइस टोटल 5 ब्लॉक्स। तो गाइस मैं उस चीज को बनाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। Okay, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक घेरा बना दिया है पूरे 5x8 ब्लॉक्स का। तो गाइस अभी मेरे को यहाँ पर ना बेड लाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बेड लाके गाइस मेरे को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ विलेजर्स को। उससे पहले गाइस मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ सारा का सारा कूड़ा कचरा, क्योंकि इस कूड़े कचरे का कोई काम नहीं है अभी गाइस हम लोगों को। अभी सारे के सारे बेड्स मैं लेके जाने वाला हूँ और वहाँ पर लगाने वाला हूँ। ओके गाइस, ओके तो गाइस मैं यहाँ पर लग चुका हूँ बेड प्लेस करने में। ओके तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर टोटल ना 20 बेड्स प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर 20 विलेजर्स आप लोगों को लाके रखने पड़ेंगे। और गाइस उन लोगों को आप लोगों को खाना खिला के टोटल 20 विलेजर्स करने पड़ेंगे अगर आप लोग सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर कर रहे हो या क्रिएटिव में कर रहे हो चीटिंग करके। तो गाइस आप लोग यहाँ पर 20 विलेजर्स को डायरेक्ट स्पॉन कर सकते हो। ओके तो गाइस आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी जगह को बैठ के एक ब्लॉक ऊपर से गाइस आप लोगों को यहाँ पर कांच लगा देना पड़ेगा या कह सकते हो ग्लास के ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। ओके तो गाइस अभी मैं इस चीज़ को कवर करने के बाद गाइस आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाइस। ओके तो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि गाइस यहाँ पर जो है आप लोगों को जॉब ब्लॉक्स प्लेस करने पड़ेगा। आप चाहे तो कोई सा भी जॉब ब्लॉक प्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं बैरल कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस बैरल बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम ग्राइंड भी करना पड़ता है और ये एकदम बेस्ट जॉब ब्लॉक है विलेजर्स के लिए। तो गाइस अभी मैं ना गाइस इन सब जॉब ब्लॉक को प्लेस करने के बाद यहाँ पर लाने वाला हूँ टोटल 20 विलेजर्स। और गाइस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों को 20 विलेजर्स के लिए 20 जॉब ब्लॉक्स यहाँ पर प्लेस करने पड़ेंगे। ओके गाइस, ओके तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर सारे के सारे मतलब दो विलेजर्स लेके आ चुका हूँ गाइस। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी जिससे गाइस कई सारे विलेजर्स यहाँ पर हो जाएंगे। और गाइस उन सारे विलेजर्स को यहाँ पर 20 विलेजर्स करने पड़ेंगे कन्वर्ट। और गाइस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी मजदूर वाला मतलब क्या बोलूँ एकदम भोसड़ी के वाला विलेजर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो विलेजर अगर ग्रीन कलर की ड्रेस पहनता है ना, तो गाइस उस तरीके के विलेजर अगर इस विलेज के अंदर होंगे तो गाइस इस मतलब इस विलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि वो लोग आयरन फार्म स्पॉन नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर ये लोग चुम्मा चाटी करने में लग जाएंगे, तो मैं गाइस यहाँ पर बाहर जाता हूँ, क्योंकि ये साला 80+ सीन मेरे से देखे नहीं जाते। आयरन फार्म की पावर देखो गाइस, यहाँ पर आयरन फार्म पूरा बना भी नहीं लेकिन गाइस यहाँ पर मतलब आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं ये लोगों ने चुम्मा चाटी कर करके यहाँ पर टोटल 20 विलेजर्स कर दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अडल बात भी है। तो गाइस अभी मेरे को इस पूरा का पूरा जो है ना होल को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर ऐसा नहीं करूँगा तो यहाँ पर ज़ॉम्बी आके कभी भी इन लोगों को कूट के चले जाएंगे। ओके तो गाइस अभी मेरे को
स्पॉन करना मतलब यहाँ इस पूरे का पूरी जगह को मतलब कवर करना पड़ेगा। और उससे पहले मैंने क्या किया गाइस, टॉर्च लाइट लगा दी, क्योंकि गाइस अगर इसके अंदर अगर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया ना तो अकेला ज़ॉम्बी इन सभी को मार के खा जाएगा। तो गाइस अभी गाइस मैं यहाँ पर मतलब इसको कवर करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। ओके तो गाइस आप लोगों यहाँ पर आपके आयरन फार्म के ऐसे ही जिस तरह आप लोग गाइस यहाँ पर कलेक्टिंग चेंबर बनाने वाला हूँ, वहाँ पर दो चेस्ट लगा देना है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ना गाइस आप लोगों को 20 हॉपर्स लगा देना है गाइस, कुछ इस तरीके से सिंपली गाइस। यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद रखना है, जो आप हॉपर जिसके साथ अटैच करोगे ना उसी हॉपर के साथ गाइस आप लोगों को बाकी सारे के सारे हॉपर्स को अटैच करना पड़ेगा। ओके गाइस, एक भी अगर अलग अलग लग गया ना तो गाइस लेने के देने पड़ जाएंगे और आप लोगों को एक भी आयरन नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर बोन फायर लगाना पड़ेगा उस सारे हॉपर्स के ऊपर, क्योंकि गाइस बोन फायर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर कोई आइटम गिरता है ना तो वो मतलब जलता नहीं है। और उसके साथ ही साथ गाइस वो हॉपर के ऊपर है बोन फायर, इसलिए गाइस वो आइटम सीधा हॉपर के अंदर चला जाएगा। ओके तो गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इस जगह को आपके आयरन फार्म को कांच के ब्लॉक से घेर देना पड़ेगा ताकि गाइस यहाँ पर ज़ॉम्बी ना आ पाए। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पानी का प्लेस करके गाइस आप लोगों को यहाँ पर टोटल मिला के पानी प्लेस करना पड़ेगा, ताकि गाइस यहाँ पर जितने भी आयरन गोलम है ना वो सीधा पानी के बहाव से सीधा वहाँ पर बोन फायर की तरफ चले जाए, ताकि और लोग बोन फायर की वजह से मर जाए। और उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आप लोगों को चारों तरफ पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पाथ के ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता, जिससे कि क्या होगा गाइस सारे के सारे आयरन गोलम इस आयरन फार्म के अंदर स्पॉन होंगे और कहीं पर नहीं। ओके तो गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने पास बना दिया और हमारा आयरन फार्म भी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ए वाला आयरन गोलम यहाँ पर मर रहा है बोन फायर की वजह से। और गाइस ए इसको मरने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आयरन गोलम के हार्ट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और गाइस रुको, मैंने इसको मारने के बाद गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सचमुच में आयरन यहाँ पर कलेक्ट होता है कि नहीं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आयरन गोलम मर गया है। और गाइस आप लोग यहाँ पर आना और देख ही सकते हो गाइस यहाँ पर आयरन कलेक्ट हो चुका है। तो गाइस ये फार्म काम कर रहा है। तो आज का वीडियो बस यहाँ पर ही, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, राम राम।